वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा टाइप फोर सिलेंडर की, जिसके लिए काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, सर टाइप फोर सिलेंडर्स के ऊपर वीडियो बनाएं, टाइप फोर सिलेंडर के बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, टाइप फोर सिलेंडर एक बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन है जो बहुत पहले से आउटर कंट्रीज़ में, जैसे कैनेडा में, अमेरिका में ये जो टेक्नोलॉजी है सिलेंडर की, ये चली आ रही थी। इंडिया में जस्ट अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली। इसका बड़ा कारण ये है, ये जो इतनी हाइप है इसकी, इतना जो क्रेज़ है इसका टाइप फोर सिलेंडर का, इसका वज़न, जी हाँ, इसका वज़न का सबसे कम होना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसमें जो प्रेशर है वो भी अपने जो स्टील के सिलेंडर्स होते हैं, जो अपने नॉर्मल गाड़ियों में अभी लगते हैं स्टील सिलेंडर, टाइप वन टाइप टू सिलेंडर्स जो लगते हैं, उससे मतलब PSI जो झेलने का है उसका PSI भी 500 से भी ज़्यादा है, मतलब 500 PSI से ऊपर तक भी ये सिलेंडर बढ़िया काम करेंगे। जबकि स्टील सिलेंडर जो है वो 340 PSI पे, जिनका हाइड्रो टेस्ट किया जाता है, तो 340 उनका लास्ट एक झेल कैपेसिटी होती है जो स्टील सिलेंडर्स होते हैं। इनका 500 तक भी PSI आप इसमें जो है प्रेशर डाल सकते हैं, तब भी ये ब्लास्ट नहीं होगा और जो है एक्सप्लोड नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी इनोवेशन है, बट इस समय पर अभी रिसेंटली, या ये कहें कि ताज़ा इंडिया में लॉन्च हुई है, तो इसमें इस समय पर ये सिलेंडर काफ़ी एक्सपेंसिव है। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आपके डिग्गी में वज़न कम हो जाता है, 15-16 किलो के लगभग का ये सिलेंडर है, और इतना ही आपका कहें कि थोड़ा बहुत 8 या 10 किलो के लगभग का इसका स्टैंड होता है, स्टैंड भी थोड़ी फोमिंग वगैरह रहेगी उसमें। तो ये जो सिलेंडर है अभी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि अभी हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके फ़ायदे मैं गिना देता हूँ कि भैया, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका वेट, दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये, मतलब जो इनमें गैस ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि इनका जो डिज़ाइनिंग है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट है इससे जो अपने स्टील सिलेंडर्स होते हैं, और इसका जो स्पेस है मतलब रेडियस है वो भी उतना ही है, जैसे 12 किलो का जो सिलेंडर का जो रेडियस होता है पूरा, जो विड्थ होती है उतना ही है, पर फिर भी इसमें गैस जो है थोड़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये अपने हिसाब से गर्मी और सर्दी के हिसाब से थोड़ा बहुत स्ट्रेच होता है, होगा, जस्ट बिकॉज की फाइबर का है, फाइबर कंपोजिट फाइबर का ये जो धातु है, या यूं कहें कि जो प्लास्टिक है, जो फाइबर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब स्ट्रांगनेस के मामले में अगर हम बात करें तो ये लोहे को यानी स्टील को भी फेल करता है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और दूसरी बात, अगर आप इस पे संशय ये कर रहे होंगे कि यार फाइबर का है, रिलायबिलिटी क्या रहेगी और क्या इसकी लाइफ रहेगी, तो उससे निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल्स के बाद ही ये सिलेंडर इंडिया में लॉन्च हुआ है। जैसे कि पैसो ने अप्रूव किया है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, पेसो जिसे कहा जाता है, वहाँ से इसको अप्रूवल मिला है, और अभी तक सिर्फ एक कंपनी ही को ही अप्रूव हुई है यहाँ पर CNG सिलेंडर को कमर्शियली बेचने के लिए, ये वाले जो फाइबर सिलेंडर आ रहे हैं। तो इसकी रिलायबिलिटी ये है कि 20 से 25 साल तक के लिए इसकी जो लाइफ स्पैन है, 20 से 25 साल का इसका लाइफ स्पैन होगा, तो आपको वो तो निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी 15 साल तक के लिए वैलिड होता है, तो 15 साल बाद वैसे भी आपको गाड़ी जो है फिर वो बेचनी पड़ेगी, या जो भी कबाड़े में कटवाएंगे या जो भी कुछ करेंगे उसका, तो 20 साल इसकी लाइफ है, 20 से 25 साल, तो वो निश्चिंत एक बिल्कुल हो जाइए। दूसरा, सीट मतलब पीछे अगर आप लगाते हैं तो इसका जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो टेंशन होता था, मतलब जो CNG सिलेंडर स्टील के जो आ रहे हैं उनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप थोड़ी सी उठा देते हैं, मतलब CNG का जो स्टैंड है अगर आप थोड़ा सा ऊंचा लगवा लेते हैं, तो टेंशन रहती है उसमें कि आपकी या तो ब्रेकिंग पे, यानी कि सडन ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग पे आपकी जो गाड़ी की चद्दर है वो फट सकती है, यानी कि जो गाड़ी का जो बेस है वो फट सकता है, जस्ट बिकॉज कि उसमें होल किए जाते हैं, कंपनी फिटेड होती है, उसमें होल तो किए जाते हैं मशीनों से, बट उस होल को मजबूत भी बनाया जाता है, मतलब उस होल के किनारे किनारों पे चारों तरफ मोटी स्टील लगाई जाती है, जो मतलब उसको मजबूती से पेस्ट किया जाता है। अभी क्या करते हैं आप, आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो उसमें सिर्फ जो है छेनी हथौड़ी से होल किया जाता है, और उसके बाद नट कसे जाते हैं CNG सिलेंडर के स्टैंड के, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने स्टैंड ऊंचा लगवाया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी उठ जाती है, जिससे कि अगर आपने कभी इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाने पड़े, गाड़ी
हाई स्पीड पे है तो हो सकता है चद्दर फट करके सिलेंडर जो है आगे आ पड़े और जिससे सवारियों को भी नुकसान होगा। पर इसमें ऐसा कुछ टेंशन नहीं क्योंकि इसमें टोटली वजन 25 से 28 किलो के बीच में होगा गैस के साथ, तो मैं समझता हूँ कि माइलेज पे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी गाड़ी जो है थोड़ी हल्की भी रहेगी, लाइट वेट रहेगी, क्योंकि अभी तो ऐसा रहता ना कि ऐसे लगता है कि डिग्गी में एक बंदा बैठा हुआ 70-80 किलो का एक बंदा परमानेंट बैठा हुआ है ये मान के चलिए, तो थोड़ा सा एवरेज माइलेज में फर्क आएगा, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा आएगा। तो ऐसे में क्वेश्चन अब ये आता है कि जब इस सिलेंडर के इतने सारे फायदे हैं तो क्या नुकसान है? नुकसान एक ही है दोस्तों अभी, और वो ये है कि इसकी वैल्यू, इसकी कॉस्टिंग 35 से 40 हजार रुपए या 30 से 35 हजार रुपए की रेंज में अगर ये सीएनजी सिलेंडर आपको मिल रहा है तो इस समय पर बहुत नुकसान है, इस समय पर ना लगवाएं। यार सीएनजी अगर कोई गाड़ी में इंस्टॉल कराना चाहता है तो क्यों कराना चाहता है? पैसा बचाने के लिए। भाई पैसा ही तो बचाना है अपने आप को, तभी तो हम पेट्रोल से सीएनजी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम 30 हजार रुपए 35 हजार रुपए का सिलेंडर इंस्टॉल कराएं तो क्या वो वर्थ होगा? भाई मेरी पर्सनल राय तो ये है कि वो वर्थ बिल्कुल नहीं होगा। अभी आप वेट करें जब तक इसके प्राइस नीचे ना आए, मतलब जब तक नॉर्मल ना हो जाए। देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आई है, अभी नई टेक्नोलॉजी आती है कोई भी, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे आपके स्मार्ट टीवी में हो, या किसी भी तरीके की जब नई टेक्नोलॉजी आती है, किसी कार में भी आती है, तो ऑब्वियसली है मतलब महंगी ही होती है, कॉस्टली होती है। आपको इसके डाउन होने का वेट करना चाहिए। फिलहाल आप स्टील का ही सिलेंडर जो सीएनजी इंस्टॉल करा रहे हैं वही लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से चले आ रहे थे, बहुत ज्यादा रिलायबल है। काफी क्वेश्चन लोग बाग ये कर देते हैं ग्रुप में आकर के या कमेंट बॉक्स में कि अब तो हम नया वाला ही लगवाएंगे, पुराना वाला तो बेकार हो गया, ये हो गया। वो पुराना वाला जो भैया इतने सालों से चला आ रहा है उसकी रिलायबिलिटी पे शक मत कीजिए, बहुत अच्छा है वो भी, बट हाँ थोड़ा वजन में ज्यादा है जस्ट बिकॉज कि वो स्टील का बना हुआ है ना। तो 30 से 35 हजार रुपए खर्च करना अभी बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, क्योंकि 15 से 16 हजार रुपए के लगभग का तो सीएनजी का स्टील सिलेंडर ही आ रहा है अभी। और अगर ये सिलेंडर लेंगे तो ये सिलेंडर का प्राइसिंग डबल है जस्ट बिल्कुल 30 हजार रुपए का अगर आप सिलेंडर ले रहे हैं। और अगर सीएनजी किट को भी अगर आप मान लेते हैं कि 25 हजार रुपए की सीएनजी किट हो गई तो कहाँ पे रेट जाएंगे यार? 60 हजार रुपए की सीएनजी किट लगवा के क्या पैसा रिकवर, कितने दिनों में आप पैसा रिकवर कर लेंगे ये बताएं? कहाँ से इतना रिकवरी हो पाएगी? भाई हमें गाड़ी चलानी इकोनॉमी में, गाड़ी चलानी है जेब को वजन कम रखते हुए, जेब पे ज्यादा भारी ना पड़े, ऐसे में गाड़ी ड्राइव करनी है। तो ऐसे में करनी है तो भाई इतना महंगा सिलेंडर तो नहीं वर्थ है अभी। तो इसीलिए अभी थोड़ा वेट करें जब तक इसके प्राइसिंग डाउन ना आ जाए, तब तक और भी कंपनियां मार्केट में एज ए कॉम्पिटिटर के तौर पर ना उतर जाए अप्रूवल के साथ, तब तक अभी वेट करें। ये नई नई चीज है और इसको अगर जो लगवाना ही चाहता है तो उसके लिए ठीक है, बाकी नहीं तो वेट करिए, सबसे बेस्ट है। अभी आप यही सीएनजी किट इंस्टॉल करें, यही सीएनजी सिलेंडर लगाएं। तो आशा करता हूं जो लोग पूछ रहे थे कि भाई सीएनजी की इस सिलेंडर की रिलायबिलिटी क्या है, क्या लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए मेरे को लगता है कि आपके सभी सवालों के जवाब टाइप 4 सिलेंडर से रिलेटेड मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल पेंडिंग है, रह गया है, आप कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है, आकर के आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं कि हर एक बंदे का, हर एक व्यूवर्स का जवाब देने का कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें।